वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन दिस वीडियो ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश पॉलिसी इन पोस्ट कोल्ड वारीरियड इन पर्टिकुलर रेफरेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है तो ब्रिटिश post पॉलिसी war पोस्ट कोल्ड वारीरियड particularly यू एस के साथ जो रिलेशन उसने, उसने मेंटेन किया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इन द aftermath of ऑफ सोवियत यूनियन का कलेप्स ना सोवियत यूनियन का collapse होने के बाद ब्रिटिश को ऐसा लगा ब्रिटेन को ऐसा लगा कि उसका जो खोया हुआ एक ग्लोबल uh, पोजीशन है वो वापस ले सकता है क्योंकि एक पावर बैकम हो गया है एक अकेला सुपर पावर यूएस बच गया दूसरा सुपर पावर कलैप्स हो गया है तो उसको लगा कि शायद वो ग्लोबल अपना जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसको वापस ले सके क्योंकि एक कंट्री एक बार सुपर पावर रह रहने के बाद वो चाहेगा कि वो पोजीशन उसका बरकरार रहे एंड यू नो ब्रिटिश वाज अ फर्स्ट सुपर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर ये बहुत एक फ्रेश यूज किया जाता था ठीक है तो इस दौरान यूके ने सोचा कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप यूएस के साथ बनाए रखना चाहिए क्योंकि यूएस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आफ्टर आ, आ, दो वर्ल्ड वार ना वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बाद जो यूरोप में डिवास्टेशन हुआ तो उसमें यूरोप को वापस बिल्डअप करने के लिए जो मार्शल प्लान का थ्रू यूएस ने बहुत ज्यादा असिस्टेंस दिया था यूके को और बाकी यूरोपियन स्टेट्स को तो वो सब देख के यूके uh, ने हमेशा से एक स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा है ब्रिटेन सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ तो इसीलिए uh, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे रखा है सबसे पहला क्या पॉइंट है स्पेशल रिलेशनशिप यूके हमेशा से एक स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन करता आया है यूएस के साथ और इसका रीजन भी है काफी सारा रीजन है जैसे कि एक हिस्टोरिकल टाइस है यूएस और यूके uh, के बीच में एक हिस्टोरिकल टाई भी है यूएस uh, यूके का ही एक अर्ली कॉलोनी रह चुका है और काफी सारा क्लॉज कॉपरेशन आपको बहुत सारा ग्लोबल इश्यूज में दोनों को देखने के लिए मिलेगा तो आप उसके बारे में भी काफी अच्छा से लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है नेटो अलायंस यूके नेटो का एक पार्ट है uh, उसके बाद uh, जब कॉल वार खत्म हुआ फिर भी उसने अपना कमिटमेंट जो नाटो का साथ है उसको मेंटेन रखा है और जितना भी सिक्योरिटी चैलेंजेस है और जितना भी पीस कीपिंग मिशन है मिलिट्री एक्सरसाइज है डिफेंस कॉपरेशन है यूरोप और बाकी देश में भी तो उसमें यूके हमेशा से आ, अमेरिका का साथ रहा है और अभी जो ऑन गोइंग वार चल रहा है यूक्रेन का साथ उसमें भी नेटो का साथ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ठीक है तो आप उसका बारे में अच्छा से जान सकता है नेक्स्ट है आपका मिडिल ईस्ट यूके जनरली यूएस का जितना भी पॉलिसीज है मिडिल ईस्ट में उसका साथ वो अलाइन रहता है पर्टिकुलरली जितना भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे ना जो एक परस्यूट ऑफ स्टेबिलिटी चल रहा है आपका गल्फ कंट्रीज में तो उसमें यूके यूएस का साथ काफी काइंड ऑफ सोल्डर टू सोल्डर चल रहा है ये आपको एविडेंट ये आपको देखने के लिए मिलेगा जो भी ज्वाइंट एफर्ट दोनों ने किया है गल्फ वार हो गया इराक वार हो गया ना फाइट अगेंस्ट टेररिज्म ये सारा चीज में उसने यूएस का साथ दिया है आ, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया या फिर मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है काउंटर टेररिज्म दोनों ही कंट्री ने या फिर दोनों ही कंट्री टेररिज्म uh, का शिकार हुआ है कभी ना कभी तो ये जो वार अगेंस्ट टेररिज्म यूएस लेके चल रहा था उसमें यूके काफी अच्छा पार्टनर है उसका साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बोलो या फिर कंडक्टिंग ज्वाइन ऑपरेशन या फिर जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स है उसको इम्प्लीमेंट करना इन दफ्ताइन इलेवन आता है अटैक ये जो फेस uh, है आपका काउंटर टेररिज्म का उसमें दोनों काफी ज्यादा साथ में काम किया है ठीक है एंड सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन UN, ना यूएनओ उसमें भी यूके और यूएस ऑफन कोलाबोरेट करता है पर्टिकुलरली ग्लोबल सिक्योरिटी का जितना भी इश्यूज है कहीं भी ह्यूमन राइट वोलेशन हुआ कहीं भी ह्यूमेटेरियन इंटरवेंशन करना हो या फिर पीस कीपिंग मिशन भेजना हो तो क्योंकि दोनों ही सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और दोनों का पास ही न्यूक्लियर वेपन्स है तो आपको वहां पर दोनों का कोऑपरेशन काफी देखने के लिए मिलेगा ठीक है फिर इकोनॉमिक रिलेशन यूके और यूएस का इकोनॉमिक रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है इकोनॉमिक टाइज हमेशा से अच्छा रहा है दोनों ही ट्रेड को लेके इन्वेस्टमेंट को लेके काफी कोऑपरेशन करता आया है और दोनों फ्री ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है रिसेंट में ये एक बात हुआ था कि दोनों का बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा बोल के आफ्टर माथ ऑफ तो ब्रेग्जिट लेकिन वो कोविड का वजह से डिले हो गया तो आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन यूके का जो रिलेशन है यूएस का साथ वो उसका जो मेंबरशिप है ई में उससे भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस हुआ है यूके बैलेंस मेंटेन करना चाहता है अपना जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें और जो ट्रांस अटलांटिक इंटरेस्ट है उसमें क्योंकि ईयू क्या था ईयू एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन है तो यूके उसका भी था, का भी पार्ट पार्ट है और वो चाहता है कि यूएस का साथ भी उसका रिलेशन अच्छा बनके रहे आ, यहां तक कि बराक ओबामा जब आपका ये ब्रेगजिट का इनिशिएशन चल रहा था तो बराक ओबामा ये तक भी बोला था कि आपको ईयू में बरकरार रहना चाहिए क्योंकि दे वेर वेरी स्कैप्टिकल कि इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वो यूके uh, का जो नीड्स है उसको पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसका uh, जो स्पेशल रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन बहुत डायनामिक है कभी भी चेंज हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट कभी भी चेंज हो सकता है तो यूरोपियन यूनियन को लेके आप इसमें भी लिख सकते हैं ठीक है फिर आपका और भी काफी सारा इशू है जैसे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया यूके और यूएस हमेशा से एक रोबर्स इंटेलिजेंस शेयरिंग मेकानिज्म को रिलेशनशिप uh, को मेंटेन करता रहा है बहुत सारा इशूस है जितना भी ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है टेरोरिज्म हो गया साइबर अटैक हो गया ये सब चीज में आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग दोनों का मिलेगा ठीक है फिर आपका क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल इश्यूज में भी दोनों काफी कोलाबोरेट किया है आ, दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोमोट करने में और ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसको कम करने में या फिर बहुत सारा एग्रीमेंट जैसे कि आपका पेरिस एग्रीमेंट हो गया क्यूट प्रोटोकॉल हो गया वो सब में भी दोनों का कोलाबोरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है उसके बाद डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट भी है दोनों का दोनों काफी सारा डिप्लोमेटिक एफर्ट करके कोऑर्डिनेट करता है मल्टीलेटर फॉरम्स जैसे कि जी सेवन हो गया जी ट्वेंटी हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया ये सारा चीज में दोनों का कॉपरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो इतना सारा ये जो कॉपरेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है यूके और यूएस का रिलेशन में क्योंकि यूके उसको हमेशा से एक स्पेशल फ्रेंड का दर्जा देके रखा है लेकिन खटास हर हर जगह होता है हाँ दोनों का बीच का जो रिलेशन है उसमें डिफरेंसेस भी आपको देखने के लिए मिलेगा खास करके कुछ कुछ इशूज है आ, बहुत सारा इशू है आ, हम ब्रीफली आपको बताएगा कुछ कुछ इशू है जैसे कि जब यूके ने डिसाइड किया कि चाइना लेट आसियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ना ए जब बना था चाइना का चाइना ने बनाया था तो उसको यूके ज्वाइन करेगा ऐसा किया था तो उसमें यूएस को वो पसंद नहीं आया ठीक है उसके बाद आ, जो भी ऐसा चीज होता है जहां पे यूके या यूके रशिया या फिर चाइना का साथ जब रिलेशन मेंटेन करने का कोशिश करता है तब आपको यूएस को वो चीज पसंद नहीं आता है ठीक है तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जैसे कि आपका मिलिट्री uh, इंटरवेंशन हो गया तो एट टाइम्स यूके क्या करता है सॉरी यूएस uh, uh, क्या करता है यूएस ज्यादातर यूनिलेटरली है ना यूनिलेटरली वो मिलिट्री इंटरवेंशन वगैरह करता है जैसे कि लीबिया में टू तो में वो एक यूनियन मिलिट्री इंटरवेंशन किया था तो ये सब जो मिलिट्री इंटरवेंशन uh, होता है दो दोनों एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करता है यूके uh, ज्यादातर उसमें एक पैसिव अप्रोच लेके चलता है और यूएस ज्यादा एसर्टिव रोल प्ले करता है हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो आपको बिल के फाइट करना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है ठीक है और क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को भी लेके आप बात कर सकते हैं दोनों ही uh, दोनों देश का जो अप्रोच है वो काफी डिफरेंट uh, है क्लाइमेट चेंज को लेके यूके हमेशा एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करने का बात करता इमिशन को लेके इन कंट्रास्ट टू यूएस हमेशा एक uh, अलग लेवल का कमिटमेंट uh, देता है उतना वो आपको उसमें भी देखने को मिलेगा जब बराक ओबामा पीस सॉरी पेरिस एग्रीमेंट साइन कर दिया था लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उससे विद्रो कर लिया है ना तो वो चीज आपको डिफरेंसेस वहां पे भी नजर आएगा ठीक है फिर जितना भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ब्रिटेन हमेशा से रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता आया है ब्रिटेन चाहता है कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाए उसका उसको मान के रखे लेकिन यूएस उसको लेके भी काफी स्केप्टिकल है उसका वर्किंग को लेके काफी स्केप्टिकल है आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट्स वगैरह देख सकता है ना तो दोनों ही देश का जो रिलेशन है इसका वजह से भी थोड़ा बोरा डिफरेंसेस वहां पे भी नजर आएगा ठीक है इसके बाद जो ट्रेड पॉलिसी है ना ब्रिटेन जब ब्रेग्जिट करने का बाद उसको लगा था कि यूएस ना यूएस उसका सबसे पहला प्रेफरेंस था बायोजिटल ट्रेड के लिए लेकिन वो जो एक ट्रेड फ्री ट्रेड दोनों साइन करने का बात कर रहा था वो भी साइन हुआ नहीं है भले ही वो कोविड का वजह से डिले हुआ है फिर भी तो वहां भी थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल सकता है ठीक है और जितना भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्स है जितना भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्स है जहां पे आपको ह्यूमनिटेरियन uh, इंटरवेंशन करना पड़ता है या फिर मिलिट्री uh, इंटरवेंशन करना पड़ता है वो ज्यादातर यूएस लेड होता है तो उसमें यूके काफी कॉशियस स्टांस uh, लेता है वो उतना प्रोएक्टिवली उसमें साथ नहीं देता है ठीक है तो आप उसको भी लिख सकता है एंड न्यूक्लियर डील को लेके भी जब ईरान का न्यूक्लियर डील हुआ था बराक ओबामा का समय में एक जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लांट ऑफ एक्शन ना जेसीपीओ ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उसको लेके यूके उसको सपोर्ट किया था लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उससे विद्रो कर लिया तो उसमें भी यूके को वो चीज भी पसंद नहीं आया ठीक है तो ये सारा चीज जो है दोनों का बीच का डिफ्रेंसेस है आ, Post -Brexit, कैसा कैसा हो रहा रहा है 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 हम लोग थोड़ा सा उसको Post -Brexit, अभी Brexit हुआ लग, हुआ ज़्यादा नहीं है। ये तो तो एक -दो साल है। उसमें चल दोनों का टर ट्रेड एग्रीमेंट करने का प्लानिंग चल रहा है uh, तो एक, uh, uh, चल रहा है ना ब्रिटेन चाह रहा है ब्रिटेन प्लान कर रहा है कि क्योंकि वो ईयू से हट गया है तो उसको एक uh, अच्छा पार्टनर चाहिए बायोलेटर रिलेशंस के लिए तो ब्रिटेन कोशिश कर रहा है कि वो यूएस uh, ही हो ना हु बेटर देन यूएस आप उसका साथ स्पेशल रिलेशन मेंटेन कर रहा है तो आप चाहेगा कि उसी के साथ आपका ट्रेड एग्रीमेंट्स uh, हो है ना तो ये है और uh, स्पेशल रिलेशनशिप हाँ ये कंटिन्यू है अभी भी दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है बहुत सारे ग्लोबल इशूज में कोविड uh, का समय में भी दोनों काफी कॉपरेट किया था और अभी जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है उसमें भी दोनों का कॉपरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा नाटो uh, को लेके जो कॉपरेशन है वो भी चल रहा है तो uh, ये सब चीज़ आप देख सकता है ठीक है uh, कुछ कुछ पॉलिसीज में दोनों का डाइवर्जिंग uh, व्यूज अभी भी नजर आएगा पोस्ट ब्रेगजित ना क्लाइमेट चेंज वगैरह हो गया इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह हो गया ये सब में आपको थोड़ा मोरा डिफरेंसेस अभी भी नजर आएगा ठीक है फिर भी दोनों काफी कोऑपरेटिव रिलेशन रखता है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा ही होता है ना देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एलिस ये एक इंटरनेशनल uh, रिलेशन का बहुत फेमस कॉर्ड भी है लेकिन स्टिल स्पेशल रिलेशनशिप ब्रिटेन उसको मेंटेन करके रखा है और uh, जैसा अभी चल रहा है बाइडेन और ऋषि सुना का बीच में जो रिलेशन है उसे देख के भी लगता है कि दोनों का जो कॉपरेशन है वो आगे भी चलेगा ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग कुछ डाउट होने से आप कॉमेंट सेक्शन में